हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन ए फैक्टर। बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो दिए गए हैं इनमें से किसका एक्स प्लस वन एक फैक्टर है। मतलब x प्लस वन कह रहे कि किसका, इन सब में से किसका फैक्टर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट कहता है कि अगर x प्लस वन से हम इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो ये उसका फैक्टर होगा। अगर जीरो के अलावा रिमाइंडर अगर और कुछ भी आता है तो ये जो एक है वह उसका फैक्टर नहीं होगा। तो यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यदि इससे डिवाइड किया जाए इन चारों को और सब में जिसमें फैक्टर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ये उसका फैक्टर होगा, और जीरो अगर नहीं बचता है उसके बाद कुछ भी आता है तो ये उसका फैक्टर नहीं होगा। इसके लिए आइए हम इससे एक्स का वैल्यू निकाल करके और इन सब में एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, और अगर पुट करने के बाद अगर आंसर जीरो आता है तो फैक्टर होगा और जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। ये देखिए यहाँ दिया है, ये पी एक्स है, ये देखो पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट, ये पी एक्स दिया हुआ है, ये पी एक्स इजकल टू, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इजकल टू इतना। इसका जो है इसमें ये देखो एक्स, यहाँ देखो दिया है कि x प्लस वन आप लिखिए जीरो, मतलब x प्लस वन बराबर जीरो है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन। तो हम इसी x माइनस वन का जो x का जो वैल्यू है सब में हम माइनस वन को पुट करके देखेंगे कि किस में रिमाइंडर जो है जीरो आता है, मतलब आंसर किसका जीरो आता है। आइए x यहां देखो, इसी ये px है, हम x इक्वल टू हम माइनस वन लेंगे, ये px देखो एक्स क्यूब है तो माइनस वन का क्यूब, यहाँ माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, ये देखो कितना आएगा, वन वन जा वन वन जा वन, तीन बार माइनस है ना, थ्री क्यूब है तो ये माइनस वन होगा, और दो बार है ये तो ये प्लस वन हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस वन हो जाएगा, और ये प्लस वन हो जाएगा। ये देखो माइनस वन से प्लस वन और इस माइनस वन से प्लस वन, रिमाइंडर कितना आया देखो, क्या इसका आंसर है जीरो। मतलब जब हमने एक्स प्लस वन का वैल्यू इसमें पुट किया, इसमें एक्स का वैल्यू जो है माइनस वन, तो इसका जो आंसर आ रहा है वह जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि एक्स प्लस वन इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम ये लिखेंगे एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ, इसको लिख दीजिए ऑफ द पॉलिनोमियल, आप लिख दीजिए ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, फिर इसमें भी हम एक्स का वैल्यू को पुट करेंगे, जो एक्स इजकल टू माइनस वन आया है हम पुट करेंगे वैल्यू को, माइनस वन का पावर फोर प्लस माइनस वन का पावर थ्री प्लस माइनस वन का पावर टू प्लस माइनस वन और प्लस वन। ये देखो सॉल्व करो इसको, ये वन हो जाएगा और ये तीन बार माइनस है तो ये माइनस वन हो जाएगा, और ये प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन, ये माइनस वन और ये प्लस वन। ये देखो ये प्लस से माइनस कट गया, इससे जो ये कटा क्या बचा, वन आया। मतलब रिमाइंडर जो आपका आंसर आया वह वन आया। इसका मतलब कि ये जो है इसका, ये जो x प्लस वन है वह इसका फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर, x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है। और इसको देखते हैं, यहाँ भी ये जो पी एक्स है, ये देखो ये पी एक्स हमने लिखा है, यहाँ ये जो है पी एक्स है, x की वैल्यू हमने माइनस वन यहाँ पुट करना है, ये माइनस वन पुट करना है। देखो माइनस वन का एक पावर फोर
प्लस 3 माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1। ये देखो ये 4 टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा 1, और ये प्लस, ये देखो 1 ही होगा और माइनस होगा तो 3 बन जाए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 बन जाए 3, और यहाँ देखो 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस 3 माइनस 1 और प्लस 1। ये देखो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इसका भी कितना आया 1। तो यहाँ जब इसके हमने x की वैल्यू जब पुट की तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, मतलब इसका ये फैक्टर नहीं है। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, ये देखो एक्स के वैल्यू, फिर हम यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे, ये माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ ब्रैकेट में 2 प्लस ए अंडर रूट 2, और एक्स का वैल्यू कितना आया माइनस 1 है तो माइनस 1 और प्लस अंडर रूट 2। ये देखो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 बार माइनस प्लस और ये माइनस माइनस 1, ये माइनस, इसको लिखो ए माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 2 हो जाएगा, अब प्लस माइनस ये माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये ब्रैकेट टूट जाएगा और ये प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये और प्लस अंडर रूट 2 हो गया। ये देखो माइनस 1 माइनस 1 ब्रैकेट तोड़ो तो प्लस 2 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस अंडर रूट 2 हो गया और प्लस अंडर रूट 2 हो गया। इससे देखो ये कितना हुआ, यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2। ये देखो इसे कैंसिल और अंडर रूट 2 ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये देखो ये भी इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि ये रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।